संतोष ही परम धन है, और कुछ नहीं चाहिए। दुनिया की संपदा भी मिल जाए तो क्या मन को संतोष होगा? क्या नहीं होगा। आपको कितना भी पैसा मिले नारायण, संतोष नहीं होने वाला है। और ये साधु महात्मा जितने हैं ना, ये पैसा जमा करके इनका सारा पैसा बैंक में रह जाता है, मर जाते हैं बाद में, और वो पैसा सरकार को मिल जाता है। जितने भी साधु महात्मा है सबका पैसा चला जाएगा गवर्नमेंट के खाते में, वो गवर्नमेंट लगा देगी पर प्रजा के उद्धार के लिए लगा देगी। अंत में अपने हाथ में तो राम राम ही आने वाला है, राम नाम सत्य। संतोष बहुत बड़ी चीज है नारायण, बोले संतोष करना चाहिए। शुक्राचार्य जी ने समझाया, शुक्राचार्य जी ने बोला बेटा तुम्हें क्या कर रहे हो, ये छोटा समझते हो इसको? अरे ये छोटा नहीं है, इसके पेट में दाढ़ी है, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग, पेट में दाढ़ी है। ये त्रिविक्रम है, वामन एक पैर से ये इस लोक को नापेगा, इस लोक के संपत्ति को नापेगा, दूसरे पैर से परलोक में तुम्हारा जितना पुण्य उसको नापेगा। दृष्ट और अदृष्ट तुम्हारी सारी चीजें ये नाप लेगा दो पैरों में, और तीसरे पैर को रखने की जगह तुमको नहीं मिलेगी। मना कर दे, मना कर दे, ये तीन पैर वाला झंझट मत पाल, बोल देना भैया हम कोई दूसरी चीज देंगे, ये वरा वापस ले लो। बलि ने कहा कि भगवान ये यदि भगवान होगा तो ऐसे ही छीन लेगा, जबरदस्ती छीन लेगा। अब मैंने इनको बोला है तीन पग भूमि मैं दे दूंगा, बोले अब तीन पग भूमि मैं इनको प्रदान करूंगा। हाथ में जल लिया, संकल्प किया नारायण, इधर संकल्प पूरा हुआ और उधर भगवान बड़े हो गए त्रिविक्रम। एक पैर से इस लोक को नापा, दूसरे पैर से परलोक नापा, सचमुच तीसरे पैर को रखने की जगह नहीं थी। सारी दुनिया में परमेश्वर व्याप्त हो गए नारायण, जड़ चेतन सारा विश्व परमेश्वर से भर गया, और अंत में भगवान ने उनके सिर पर पैर रखा और उनको सूतल लोक प्रदान कर दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की। और वो साम्राज्य लेकर के उन्होंने देवताओं को प्रदान कर दिया। महान बलि भगवान को द्वारपाल बना दिए नारायण। बलि के कारण भगवान को वामन का रूप धारण करना पड़ा, इसलिए बलि आपको मालूम है महाभागवतों में बलि का नाम है, महाभागवत बलि। बड़ा सुंदर ये चरित्र है। नवम स्कंद में नारायण अनेकों भगवान की कथाएं, मनुपुत्र सुद्युम्न की कथा है, नाभाग के अम्बरीश का चरित्र बड़ा सुंदर है, मांदाता सौ भरी गंगा का अवतरण भी बहुत सुंदर यहाँ हुआ, रामावतार है, जमन अग्नि के पुत्र महान भगवान के अवतार इसी स्कंद में हुए परशुराम जी महाराज। बोलिए परशुराम जी महाराज की जय। भगवान श्री राम का चरित्र बड़ा सुंदर चरित्र है नारायण। यहां तो केवल भगवान राम का चरित्र पांच अध्यायों में समेट लिया गया है, क्योंकि भागवत का जो उद्देश्य है ना वो कृष्ण चरित्र है। भगवान श्री राम का जो अवतार है बहुत मजेदार अवतार, भगवान राम जैसा चरित्र, रामायण जैसा चरित्र दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। इतना अद्भुत चरित्र है नारायण भगवान राम का। आपके लिए हर आदर्श रामायण के पात्रों में मिलेगा। आप क्या चाहते हो, आप अपने व्यवहारिक जीवन के रिश्तों में कौन सा पात्र आदर्श बनाना चाहते हो? आदर्श पिता आपको देखना हो तो राजा दशरथ हैं,
आदर्श मां देखना हो तो आपको कौशल्या है, सुमित्रा है। आदर्श बहू देखना हो तो सीता है, मांडवी है, श्रुत कीर्ति है। आपको आदर्श बेटा देखना हो तो राम है, लक्ष्मण है। आदर्श सेवक आपको देखना हो हनुमान जी महाराज है। आपको आदर्श मित्र देखना हो तो मित्र कैसा होना चाहिए, विभीषण है, सुग्रीव है, भगवान श्री राम है। ये आपके जितने भी पात्र हैं ना, ये महान आदर्श राजा दशरथ। मैं आपको थोड़ा केवल आदर्श की बात बताऊंगा, बहुत रामायण की बात यहां बोलना संभव नहीं, समय नहीं है। और ये स्थान ये समय रामायण की कथा करने का भी नहीं है। जब राजा दशरथ को कैकेयी ने वर मांग लिया, उन वरों में से एक वर था भरत को राज्य, और दूसरे वर से उन्होंने मांगा राम का वनगमन। और वो एक दो दिन महीना नहीं, 14 वर्ष के लिए। 14 वर्ष कम नहीं होते, आदमी की जिंदगी बहुत सारी चली जाती है। 14 वर्ष आदमी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये बात सुनी राजा दशरथ, जिस बच्चे को वो प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, अपना उत्तराधिकारी समझते हैं। उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि मैं भरत को राजा बनाऊं। पैदा होने से लेके अभी तक एक राजकुमार की तरह, एक राजा की तरह पाला राम को, वैसे तैयार किया, राजा की तरह उत्तराधिकारी तैयार किया, घोषणा भी कर दी राम राजा बनेंगे। पूरे भारतवर्ष में राजा महाराजाओं के पास निमंत्रण भी भेज दिया, बहुत सारे लोग आके बधाइयां देने लगे। और वो समय था नारायण, अब अभिषेक होने वाला है, और उसी समय वर मांग लिया राम को वनगमन और भरत को राज। वो सम्राट थे, उस वचनबद्धता को वो इनकार कर सकते थे, और वो अपने मन मर्जी से उस निर्णय को वो नहीं बदल सकते थे, नहीं बदलने देते। लेकिन नहीं, नहीं, वचन की इतनी प्रतिबद्धता, इतनी सत्यवादिता, नारायण दिया गया वचन हम उसको वापस नहीं ले सकते। प्राण चले जाए लेकिन दिया गया वचन हम झूठ नहीं होने देंगे, ये कितनी बड़ी सत्यवादिता है, ये कितना बड़ा आदर्श है, कितना बड़ा संकल्प है नारायण, ये कितना बड़ा सिद्धांत है उनके जीवन का। एक तरफ राम का वनगमन और दूसरे तरफ प्राण, राम के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। यदि राम वन जाते हैं तो मेरा मरना निश्चित है। आज यदि मेरे मरने को बचाना है, मेरे को जीवित रहना है, तो मेरे को वचन दिया हुआ तोड़ना पड़ेगा, सत्य को तोड़ना पड़ेगा। एक तरफ सत्य है और दूसरे तरफ जीवन है, आप इन दोनों में से किसका चयन करोगे? आदमी बहुत आराम से जीवन का चयन कर लेता है, सत्य को छोड़ देता है, भोग के सामने योग को आदमी तिरस्कृत कर देता है, भोजन के सामने आदमी भजन छोड़ देता है,
लेकिन ये सत्यवादी महान पुरुष प्राण चले जाए लेकिन हम सत्य को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा महान सत्यवादी पिता, आदर्श पिता है। और भगवान श्री राम आदर्श पुत्र हैं। वो कैसे आदर्श पुत्र है नारायण? अब वो थोड़े समय के बाद राजा बनने वाले हैं और पूरे भारतवर्ष के लोग आके बधाइयां दे रहे, राम तुमको बधाई हो, तुम राजा बन रहे हो, तुम राजा बन रहे हो, बधाई हो, बधाई हो। और वो बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनकर तैयार हो रहे, अभी जाना है उनको राजाभिषेक में, राज सिंहासन पर बैठकर उनका अभिषेक होगा, दुनिया के सारे बड़े बड़े राजा महाराजा आके बधाइयां देंगे, उपहार देंगे, वेद मंत्रों के साथ उनका अभिषेक होने वाला है। क्या आनंद, परमानंद। और वो पूरी अवध नगरी सजा दी गई है, चारों ओर सब लोग गान कर रहे राम का, गलियों गलियों घूम रहे लोग, गाजे बाजे बजाते हुए, परम आनंद है। और उसी समय आकर कोई सेवक बोल देता है, राम आपको वनवास जाना है 14 वर्ष के। आप कल्पना कर सकते हो ऐसी स्थिति यदि आपके ऊपर आ जाए तो आपका क्या होगा? मेरे को लगता है कि उस समय आप छाती पकड़ के बैठ जाओगे, डॉक्टर 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 बुलाओ, छाती में दर्द हो गया। आप संघर्ष करने को तैयार होते हैं, कौन कई कई कौन? हमारी तो घोषणा हो चुकी है, हम तो राजा बनने वाले, हम छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन क्या आदर्श है नारायण, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का कितना महान आदर्श है। प्रभु श्री राम ने जैसे वो वस्त्र पहने थे वैसे ही उतार लिए और परम आनंद में डूबे हुए। महात्मा के कपड़े पहन लिए उन्होंने, वनवासी लोगों के कपड़े पहने, आदिवासियों के कपड़े पहने प्रभु श्री राम ने। और वो निकल पड़े, दरवाजे के बाहर खड़े हो गए नारायण, जाने को तैयार हो गए। सीता मैया को मालूम पड़ा, किसी दासी ने जाके सुनाया, हे राजकुमारी प्रभु श्री राम वन गमन कर रहे हैं तापसी वेश में, उनको अपने पिता का आदेश हुआ है 14 वर्ष के लिए जाने वाले हैं। और वो सीता मैया भी कोई सामान्य है? अरे वो सैकड़ों सहेलियां उनको सजा रही थी, माताएं जैसी सजती है कि नहीं, काजल लगा रहे थे, अरे क्या क्या सजा रहे थे, सोना चांदी हीरे मानिक मोती, और वो कीमती कीमती चीजें, सैकड़ों सहेलियां, अब कोई उनको क्या बोलते हैं, मेहंदी लगा रही थी, पैरों में चित्रकारी हो रही थी, और वो आनंद परमानंद। और उसी समय आकर के सहेली ने इशारा कर दिया, प्रभु राम वनवास, वनवास के लिए जा रहे। उस समय सीता मैया को कुछ भी नहीं लगा, अच्छा इतना हल्के ढंग से लिया नारायण, इतना हल्के ढंग से। और उन्होंने जैसे कपड़े पहने थे ना यूं ऐसे उतार दिए, वो सोने चांदी के उपहार यूं ऐसे उतार दिए, और उन्होंने भी तापसी वेश धारण कर दिया और प्रभु श्री राम के बगल में जाके खड़ी हो गई। और प्रभु श्री राम को उन्होंने ये भी नहीं बोला कि तुम कहां जा रहे हो और मेरे को साथ ले चलोगे क्या, ये भी नहीं बोला, पीछे जाके खड़ी हो। क्या आदर्श है, क्या त्याग है नारायण। दुनिया के इतिहास में सीता जैसी दूसरी कोई नारी ही नहीं हुई है, और इसीलिए आप उसका मंदिर बना के लाखों वर्षों से पूजन करते हैं और गाते हो सीताराम सीताराम सीताराम।
प्रभु श्री राम ने भी नहीं पूछा तुम चलोगे, कुछ नहीं, चल दिए दोनों। हा? क्या पत्नी, क्या पति, कैसा बेटा, क्या वो आदर्श, एक दूसरे के लिए त्याग करने की प्रवृत्ति। लक्ष्मण को मालूम पड़ा भाई, भैया जी जा रहे हैं, भैया 14 साल के लिए। उन्होंने इशारा कर दिया मांडवी को, भैया के साथ हम जा रहे हैं, भाभी जी हम भी जा रहे हैं राम। और वो कैसी मांडवी देखो, उन्होंने नहीं रोका लक्ष्मण को, उन्होंने इशारों में समझा दिया लक्ष्मण को, तुम चिंता मत करना, घर में संभालूंगी, माँ को मैं संभालूंगी और तुम अपनी भाभी को और भैया को संभालना। क्या रिश्ते हैं, क्या त्याग है नारायण। ओहो, भाई होना चाहिए तो लक्ष्मण जैसा, पत्नी होना चाहिए तो सीता जैसी, पति होना चाहिए तो राम जैसा, पिता होना चाहिए दशरथ जैसा, बहुएं होनी चाहिए, बहुएं कैसी होनी चाहिए, श्रुतकृति जैसी, मांडवी जैसी, सीता जैसी। आप 14 वर्ष के इतिहास में पूरे दुनिया के रामायण के ग्रंथों को पढ़ लेना, लेकिन कहीं पर भी सीता जी ने उलाहना नहीं दिया। अरे सामान्य स्त्री होती तो पता नहीं कितने बार उलाहना देती, कितने बार उलाहना देती, तुम्हारे साथ शादी मेरी क्यों हुई, मेरे को तो वनवास भोगना पड़ रहा है। आगे बढ़ोगे तो महान आदर्श गुरु वशिष्ठ, महान आदर्श है। आप गुरु वशिष्ठ के महान आदर्श को देखना हो, जब विश्वामित्र पहुंच गए और उन्होंने राजा दशरथ से 2 शिष्य मांग लिए, राम और लक्ष्मण, इनकार कर दिया। राजा दशरथ ने कहा कि ये बच्चे मैं नहीं दे सकता हूं, मैं प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूं। उस समय वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, इन दोनों बच्चों को विश्वामित्र को सौंप दो। ये घटना सामान्य नहीं है, घटना बहुत गहरी है। कोई भी आदमी अपने शिष्य को दूसरे गुरु को देना पसंद नहीं करता है, ये ध्यान देना भैया। लेकिन आज वशिष्ठ जी महाराज अपने योग्यतम शिष्यों को दूसरे गुरु को सौंप रहे हैं, विश्वामित्र को। ये बहुत बड़ी आदर्श की बात है। हनुमान जी महाराज जी को देखना, सेवक कैसा होना चाहिए हनुमान जी महाराज जी जैसा, मित्र कैसा होना चाहिए राम जैसा, विभीषण जैसा। रामचरित मानस नारायण महान आदर्शों का ग्रंथ है, आदर्शों का ग्रंथ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, राम भगवान की, राम भगवान की, सीता मैया की, जय जय श्री सीता, जय जय श्री सीता राम। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, नारायण भगवान आपने अनेकों चरित्रों का गान किया है, अब मैं श्रवण करना चाहता हूं भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को। ये चरित्र बहुत सुंदर है नारायण, निवृत्त तर्षय रूपगीय मानात भवो सदा श्रोत्र मनोभिरामात उत्तम श्लोक गुणानुवादात उमान विरज्जित विना पशु। आप भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को कितने भी बार सुनो, हमारी राजमाता मृदुला शाहराज जी परसों बोल रही थी, हमारा शाहरा परिवार, सुरेश भाई शाहरा, मृदुला शाहरा, पति पत्नी, ये वशिष्ठ और अरुंधति की तरह है। सुबह जल्दी उठ करके
हवन संध्या त्रिकाल संध्या और यज्ञ याग दान और साधना करते रहते हैं। बात बात में हमारी मैया बोल रही थी, आप भागवत कितनी भी बार सुनो तो ऐसा लगता है कि कुछ नया है, कुछ नया है, कुछ नया है। आप कितनी भी बार सुनो तो ऐसा लगता है कुछ नया है, कुछ नया है। निवृत्त तरसई रूपगीय माना, जिसके मन की वासना समाप्त हो गई, जो निर्वसन है, ऐसे ज्ञानियों को भी भगवान का चरित्र बहुत अच्छा लगता है। जिनके चरित्रों का श्रवण कर हम अपने जीवन की वासना का त्याग करते हैं, जीवन का निर्माण करते हैं, आप भगवान के चरित्र का गान करो। आपको मालूम होना चाहिए आज का पांचवा दिन है, छठा दिन है, छठा दिन आपकी कथा का, ये छठा दिन है, कल का अंतिम दिन है, एक दिन बाकी है। और ये मुक्त भाव की कथा, ये मेले के अंदर की कथा है, हमने इस कथा को किसी समय के बंधन में बांधा नहीं है, पांचवें दिन की कथा है। ऐसे नियम से देखा जाए तो ये पांचवें दिन की कथा है। पांच दिन हुए, राजा परीक्षित ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, कोई जलपान भी नहीं किया है। नारायण सुखदेव जी महाराज जी कथा करते, दो समय कथा करते हैं, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को, मध्यान्ह में जप करते हैं, सुबह कथा शाम को कथा और मध्यान्ह में बैठ के वो जप करते, रात्रि में बैठ के जप करते थे। उन्होंने न फलहार किया, जलपान भोजन कुछ नहीं किया, पांचवें दिन इशारा कर दिया सुखदेव जी महाराज ने, राजन थोड़ा फलहार ग्रहण करो। नैषाति सहसा क्षुण्णम यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखां भोज अच्युतं हरि कथामृतम्। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आपके मुख से ये कथामृत का मैं पान कर रहा हूं, उसी से मेरा मन बड़ा तृप्त है, अब खाने की जरूरत नहीं है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। आग बंद करके भागवत की कथा सुनने लगे। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन आज तक जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा हुए उनमें आप श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान के प्रति आपके मन में अगाध प्रेम है। एक बार की बात है, दैत्यों के अत्याचार से ये पृथ्वी पीड़ित हो गई और ये पृथ्वी भगवान के पास अनेकों देवी देवताओं के साथ पहुंच गई, गाय का रूप धारण करके। सारे देवता लोग पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की प्रार्थना करने लगे और वो पुरुष सूक्त का पाठ करते करते भगवान शंकर और ब्रह्मा जी समाधि में चले गए। ये हमारे वेदों का जो पुरुष सूक्त है बहुत महत्वपूर्ण है। आपके यज्ञ में व्यापक रूप से जिसका प्रयोग होता है वो है आपका पुरुष सूक्त। आप बड़े से बड़े यज्ञ करोगे वहां पर भी पुरुष सूक्त है। भगवान विष्णु संबंधी जो भी आप यज्ञ करोगे उसमें पुरुष सूक्त के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये पाठ कोई सामान्य नहीं, आप पाठ करते करते समाधि में जा सकते हो, वैसी तन्मयता चाहिए। सभी देवता मिलकर पाठ करने लगे, नारायण सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद।
और वो पाठ करते 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 ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी समाधि में चले गए और उस समाधि की अवस्था में भगवान प्रकट हो गए। संसार की लौकिक अवस्था में भगवान प्रकट नहीं होते हैं और प्रकट हो भी जाए तो आपको उनके दर्शन तो कभी नहीं होंगे। अन्य देवता लोगों की समाधि नहीं लेगी, केवल ब्रह्मा जी और भगवान शंकर की समाधि लेगी। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने आदेश दिया, बेटा चिंता मत करो, संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए मैं अवतार ग्रहण करूंगा। मथुरा में मैं देवकी का बेटा बनकर के आऊंगा, वसुदेव और देवकी का बेटा बन के आऊंगा। लक्ष्मी विदर्भ देश की राजकुमारी बनेगी, रुक्मिणी बनेगी, और ये शेष मेरा बड़ा भाई बलराम बन के आएगा। और भगवान ने कहा जितने भी देवी देवता आप लोग सब लोग ब्रजमंडल में जन्म ग्रहण करो और मेरी लीलाओं में मदद करो। भगवान ने आश्वस्त किया और भगवान अंतर्धान हो गए और उस समय भी देवता लोग पुरुष सूक्त का पाठ कर रहे थे, उनको मालूम नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी ने नारायण इशारा किया, हे देवताओं भगवान का आदेश हुआ है, भगवान प्रकट हो गए थे, भगवान जन्म ग्रहण करेंगे, आंखें अब खोलो और ध्यान से सुनो, तुम सब लोगों को ब्रज मंडल में जन्म ग्रहण कर भगवान की लीलाओं में हमें मदद करना है। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। नारायण इधर मथुरा मंडल में वसुदेव जी महाराज जी का विवाह हुआ, देवक की पुत्री देवकी है। विवाह संपन्न होने के बाद अनेकों उपहार उनको दिए गए और शादी के बाद देवकी का चचेरा भाई कंस अपने रथ पर बिठा करके उनको विदा देने के लिए जाने लगा। वो बहुत ज्यादा दूर नहीं गया, वो तो एक ही नगर की बात थी, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाने जैसी। दैव योग से आकाशवाणी हो गई, पति प्रग्रहीनम कंस महाभास्याह शरीर भाग अश्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंता याम महसे बोला। रे मूर्ख कंस, जिसको तू वहन कर रहा है इसकी आठवीं संतान के द्वारा तुम मारे जाओगे। जैसे उन्होंने सुना, हाथों में घोड़े की लगाम थी, नारायण स्वयं सारथी बना हुआ था, उसने लगाम छोड़ दी, हाथ में तलवार निकाली, बाल पकड़े देवकी के और मारने को उद्यत हो गया। एक प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूं, आकाशवाणी ने क्या बोला था, आठवें संतान के द्वारा तुम मारे जाओगे, ये मरने की भविष्यवाणी थी, मारे जाने की भविष्यवाणी थी या मारे जाने के समय और निमित्त की भविष्यवाणी थी? पहली बात, मारे जाने की कोई भविष्यवाणी नहीं होती है। आपने मेरे को बोला कि स्वामी जी आप मरोगे, क्या भविष्यवाणी हुई? नहीं हुई। मैं पूछूंगा कब, मैं वो पूछूंगा कहां, मैं पूछूंगा कैसे, और इन तीनों के उत्तर यदि आप दोगे तो मेरी भविष्यवाणी हो गई। केवल मरने की कोई भविष्यवाणी होती ही नहीं, जब भी होगी मरने के स्थान की, मरने के समय की और मरने के निमित्त की, तो वो भविष्यवाणी है। और यहां पर जो भविष्यवाणी है ये मरने की नहीं है, ध्यान देना है, ये भविष्यवाणी है समय की, निमित्त की। आठवें संतान के द्वारा तुम मारे जाओगे,
आठवें संतान के द्वारा मारे जाओगे माने अभी समय है, मरने का बहुत लंबा चौड़ा समय है। कितना समय भाई? आठवें संतान के द्वारा मारे जाओगे तो आठ संतान पैदा होने में कितना समय लगेगा? हर साल एक बच्चा, मान लो हर साल में दो बच्चे तो 15 साल, और हर साल एक बच्चा भी मान लो तो कितने साल हो गए? 8 साल। 8 साल तक तो मरना असंभव है। अबे अजर अमर 8 साल के मध्य में वो मरेगा नहीं, ये बात निश्चित हो गई। और ये दूसरे किसी से नहीं मरेगा, ये देवकी के 8वें पुत्र से मरेगा, ये भी बात निश्चित हो गई। बुद्धिमान यदि ये कंस होता तो सोचता 8 साल मेरे पास है, अब इस 8 साल का उपयोग हमको कितना अच्छा करना चाहिए। लेकिन वो बड़ा बेवकूफ था वो, और उसने सोचा कि मैं इसको मार देता हूं देवकी को, और वो पहली संतान ही नहीं होगी तो 8वीं कहां से आएगी, और 8वीं संतान ही पैदा नहीं होगी मेरे को मारेगा कोई नहीं और मैं अजर अमर होऊंगा। उसके मन में भाव पैदा हुआ मैं अजर अमर होऊंगा। भाई भगवान ने भविष्यवाणी क्यों की थी? उसको सावधान करने के लिए। लेकिन वो बेवकूफी कर रहा था कि इस भविष्यवाणी को काट कर मैं अजर अमर कैसे हूं। अच्छा आप जवान हैं, बाल सफेद हो गए, भविष्यवाणी है नहीं है क्या? ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, सावधान, तुम अब बूढ़े हो रहे हो, भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन आदमी बहुत मजेदार है, सफेद बाल को काले कर देता है। हाँ ये यही तो है, और क्या, यही तो है। आप हर चीज को अतिक्रमण करना शुरू कर देते हो। प्रकृति समय समय पर भविष्यवाणी करती रहती है, समय समय पर, अभी बुढ़ापा आ रहा है भैया, भगवान का भजन करो। ये भविष्यवाणी है, ये शरीर भविष्यवाणी करता है हमारी, ये सारी दुनिया की चीजें भविष्यवाणी कर पुकार पुकार कर कहते हैं जीवन अशाश्वत है, ये निरंतर रहने वाला नहीं है, भगवान का भजन करो। और कंस को भी भविष्यवाणी के द्वारा सूचना दी गई, भैया तुम मरने वाले हो, तुम भगवान का भजन करो। बहुत बुद्धिमान है वसुदेव जी महाराज, वसुदेव जी महाराज ने समझाया उनको, बेटा क्या तुम इस बच्चे के द्वारा नहीं मारे जाओगे तो क्या दुनिया में कभी मरोगे नहीं? यहां मरने के लिए पैदा होना ही पर्याप्त है, और किसी निमित्त की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वस्तु पैदा होती है वो मरती है, ये यहां का शाश्वत सत्य नियम है। उन्होंने अंत में नारायण अपने पत्नी को बच्चे को बचाने के लिए वर दे, उन्होंने आश्वस्त कर दिया इसके अन्य संतानों से अथवा देवकी से तुमको भय नहीं है, तुमको भय है इसकी 8वीं संतान से। चलो जो भी संतान इसकी पैदा होगी वो मैं तुमको प्रदान करूंगा, तुमको इसको मारने की क्या जरूरत है? कांस का बड़ा भरोसा था वसुदेव जी महाराज के ऊपर, उन्होंने छोड़ दिया नारायण। वसुदेव जी महाराज अपनी पत्नी को लेकर, अनेकों लोगों को लेकर अपने महल में आ गए। वसुदेव जी महाराज महान भगवान के भक्त हैं, धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, सत्यवादी हैं, वो बहुत बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। पहली संतान हुई, वसुदेव जी महाराज जी के जगह पर कोई दूसरा होता तो भाग जाता, चला जाता, लेकिन नहीं, वचनबद्ध था। मैंने उनको वचन दिया जो भी संतान पैदा होगी मैं तुमको दे दूंगा। पहली संतान का नाम रखा गया कीर्तिमान। कीर्तिमान को लेकर वसुदेव जी महाराज वहां पहुंचे, कंस ने देखा बड़ा प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न होकर के कंस ने कहा इससे मेरे को कोई भय नहीं है, आप इसको ले जाइए। लेकर के घर आ गए, कुंती बड़ी प्रसन्न
देवकी बड़ी प्रसन्न हो गई नारायण। वसुदेव जी महाराज जी को कोई प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि वसुदेव जी महाराज को मालूम था कंस का मन बड़ा अस्थिर है, और अस्थिर चित्त का कोई भरोसा नहीं है वो कब क्या निर्णय ले। और देव योग से उधर से नारद जी महाराज जी का आगमन हो गया। नारद जी महाराज कोई सामान्य पात्र नहीं है, भगवान के अवतार हैं। विरक्ता नाम शिरोमणि नारदो देव दर्शन। हमारे सनातन धर्म में नारद जैसा कोई दूसरा ऋषि नहीं हुआ है। व्यास के गुरु नारद, प्रिय व्रत के उत्तानपाद के गुरु नारद, ध्रुव के गुरु नारद, प्रहलाद के गुरु नारद, कोई सामान्य पुरुष है नारद? बहुत बड़े महापुरुष नारायण नारद हैं। और नारद सर्वगुरु हैं। नारद जी महाराज सबका उद्धार चाहते हैं। नारद जी महाराज ने सनक सनंदन आदियों के सामने एक बड़ा सुंदर प्रश्न रखा था। उन्होंने कहा था, दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, चाहे वो आदिवासी हो दलित हो, सबका उद्धार कैसे हो? सर्व वर्णेषु, मैं भक्ति की स्थापना सभी वर्णों में कैसे करूं? ज्ञान और वैराग्य की स्थापना, शिक्षा की स्थापना सबके जीवन में कैसे करूं? यह प्रश्न पूछा था नारद जी महाराज ने। बड़ी करुणावान मुनि है वो, परम अहिंसा के पुजारी हैं। क्या वो किसी बच्चे के हत्या के समर्थक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और मूल में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जो नारद जी महाराज ने कहा हो कि बच्चे को मार दो। लोग तो ऐसी कल्पना करते हैं, वो कमल का फूल दिखा देते हैं, पहला भी आठवां, आठवां भी पहला, ये वो नहीं नहीं आठवीं संख्या का विधान ही निश्चित है। आज यदि पहला भी आठवां, आठवां भी पहला हो सकता है, तो फिर आठवीं की भविष्यवाणी व्यर्थ है। और नारद जी महाराज ने यहां पर यह नहीं बोला कि उस बच्चे को मार दो, उसका पाप का घड़ा भर दो। अरे पाप का घड़ा तो पहले ही भर गया, तभी तो भगवान आने की योजना बना रहे हैं, अब कौन सा घड़ा भरने वाला है? और क्या भगवान आदमी पहले पाप का घड़ा भरवा देंगे और उसको तोड़ने के लिए वापस आएंगे? ये तो बेहूदी कल्पना है। नारद जी महाराज ने केवल एक सावधानी की बात बोली, कंस को सावधानी की बात बोली। नारद जी महाराज असुर के पास भी जाते हैं, देवताओं के पास भी जाते हैं, मनुष्यों के पास भी जाते हैं। जहां पर भी नारद जी महाराज की आवश्यकता पड़ती है, वहां पर नारद जी महाराज पहुंच जाते हैं। नारद जी महाराज ने केवल एक वाक्य बोला है, भूमेर भारायमाना नाम दैत्या नाम च वदोद्यमम्। हे कंस, तुम सावधान हो जाओ, दुष्ट लोग बहुत बढ़ गए, ये पृथ्वी जो है दुष्ट लोगों के भार से दबने लगी। सज्जन पुरुष बहुत दुखी है, धर्म की हानि हो रही है। और धर्म की स्थापना करने के लिए और दुष्टों का उद्धार करने के लिए भगवान का आगमन होने वाला है। नारद जी महाराज ने केवल इतनी ही बात बोली है, भगवान का आगमन होने वाला है, दुष्टों को मारने के लिए तुम सावधान हो जाओ, संभल जाओ। और इतना बोल करके नारद जी महाराज नारायण वहां से चले गए। नारायण 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 नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। नारद जी महाराज जी के जाने के बाद कंस बैठ के अपने आप सोचने लगा, मैं पहले जन्म में कालने में असुर था, और नारद जी महाराज जी के द्वारा मैं सुन रहा हूं वो पुनः दुष्टों को मारने के लिए आने वाले हैं, और वो विष्णु बड़ा मायावी है, उन्होंने मेरे को असावधान करने के लिए
भविष्यवाणी कर दी आठवें के द्वारा, तो मारे जाओगे। कहीं वो आठवां बोलकर पहले में ना आ जाए, आठवां बोल तो दिया लेकिन कहीं पहले में ना आ जाए, कहीं वो दूसरे में ना आ जाए, कहीं वो तीसरे में ना आ जाए। वो कल्पना कर रहा था ना, कंस कल्पना कर रहा था कि कहीं वो आठवां बोल के पहले में ना आ जाए। और वो स्वयं स्वतः स्फूर्त कल्पना थी, उसमें नारद जी महाराज जी का हाथ नहीं था। और नारद जी महाराज जी जैसा मान अहिंसक साधु कभी बच्चे के हत्या का समर्थक नहीं हो सकता है। और कोई व्यक्ति ये बात बोलता है तो बहुत अप्रामाणिक और बेहूदी बात है। तयो रजन आशंकया, व्यास जी महाराज जी कहते आशंका से पहले में आठवीं की आशंका हो गई और पहले बच्चों को उन्होंने मार दिया, दूसरे को मारा, तीसरे को मारा, चौथे को मारा, पांचवे को मारा, उन्होंने छह बच्चे मारे। तयो रजन आशंकया, आठवीं की आशंका से कहीं वो आठवां बोल के पहले में ना आ जाए। वो बहुत दुष्ट दुरात्मा था, वो आत्मरक्षा में किसी को भी मार सकता था, किसी को भी पीड़ा देने में उसको आनंद का अनुभव होता था, बहुत हिंसक था। वो अपने माता पिता के प्रति भी बहुत क्रूर था। उसके आसपास के मंत्रीगण भी उसे बहुत परेशान थे, वो सब तो चापलूसी करते थे उसकी। सातवीं संतान नारायण आ गई, सातवां गर्भ देवकी के उदर में आ गया। भगवान समझ गए ये तो मेरा बड़ा भाई है। योग माया को भगवान ने आदेश दिया, इस बालक को उठा करके जो गोकुल में नंद बाबा के घर में वसुदेव जी महाराज जी की दूसरी पत्नी रोहिणी रहती हैं, उसके उदर में स्थापित कर दो। भगवान की ऐसी माया थी, वो रात्रि के समय रोहिणी सो रही थी और रोहिणी ने एक स्वप्न देखा, बड़ा अद्भुत स्वप्न था। उन्होंने स्वप्न देखा कि कोई एक देवी बहुत सुंदर पवित्र और उसके हाथ में बहुत सुंदर एक बालक है और वो बालक लाकर के उन्होंने उनके पेट में रख दिया और जैसे उनकी आंख खुली और उन्होंने पेट टटोल के देखा नारायण, तो सात महीने का पेट बड़ा, उठ के बैठ गई। इतनी खुशी, परम आनंद, अभी देवी के दर्शन और देवी का साक्षात्कार और वो बालक उनके उदर में स्थापित करना, परम आनंद में डूब गई वो। और उसी समय दौड़ करके जाके यशोदा मैया को बता दिया, मैया मैया मैंने एक स्वप्न देखा और देखो मेरा पेट, सचमुच मेरे पेट में बालक आ गया। उस समय के लोग बहुत पवित्र थे नारायण, मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, ओहो भगवान की कृपा। बाबा ने सुना, बाबा भी बड़े प्रसन्न, भगवान की कृपा। पूरे गोकुल के लोगों ने उस घटना का स्वागत किया नारायण, कितने पवित्र आत्मा लोग थे। आदमी को ऐसा पवित्र होना चाहिए, आदमी को धर्म की अवधारणा अपने ऊपर लागू करना चाहिए, दूसरे पर नहीं। आदमी सोचता है मैं कैसा भी हूं, धार्मिक अधार्मिक, लेकिन दूसरे को धार्मिक होना चाहिए। आदमी दूसरे पर धर्म लादना चाहता है, स्वयं धर्म का पालन करना नहीं चाहता है। लेकिन पुराने जमाने के लोग ऐसे नहीं थे, पुराने जमाने के लोग सोचते थे मेरे को धार्मिक होना चाहिए, दूसरा धार्मिक हो या ना हो ये मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो धार्मिक होगा उसका फल उसको मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। 9 महीने बीते और रोहिणी ने एक बहुत सुंदर नारायण बालक को जन्म दिया और वो आपके बलराम जी महाराज जी हैं। बोलिए बलराम जी महाराज की जय, बलराम जी महाराज की जय। कंस को मालूम पड़ा सातवां गर्भ गिर गया, आठवां गर्भ जो साक्षात परमेश्वर है,
सबसे पहले भगवान वसुदेव जी महाराज जी के मन में आ गए, परम आनंद में डूब गए। वसुदेव जी महाराज काल कोठरी में कारागृह में बैठे हैं, वो नारायण संध्या कर रहे थे, आहा परम आनंद में डूबे। आरो अपने मन में भगवान का अनुभव करके रोमांचित हो उठे, हो उनको समझ में नहीं आ रहा था, निर्निमित्त आनंद था वो। आज भगवान का साक्षात्कार हुआ आनंद के रूप में, परमानंद के रूप में, और भगवान मन से होते हुए वीर का आश्रय लेकर माँ देवकी के उदर में प्रवेश कर गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आठवें के रूप में जैसे भगवान का आगमन हुआ और दैदीप्यमान प्रकाशमान हो उठी देवकी, चारों ओर प्रकाश दिखाई देने लगा। वो अंधेरी काल कोठरी भगवान के दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी और वो झरोखों से खिड़कियों से प्रकाश बाहर आने लगा। अंधेरी रात्रि थी, दौड़ करके आके देखा सेवकों ने, ये प्रकाश कहां से आ रहा है, अंदर न कोई दिया न बत्ती और प्रकाश उजाला उजाला। कंस को जाके बता दिया, दौड़ता हुआ कंस आया, देखा प्रकाश पुंज में बैठी हुई थी देवकी। एक चमत्कार दिखा दिया भगवान ने, एक प्रकाश की किरण, एक रास्ता दिखा दिया, अभी भी सुधरने का अवसर है, तुम सुधर सकते हो। भगवान हमेशा हमें कोई ना कोई मार्ग बता देते हैं, दिखा देते हैं, सावधान करते हैं, लेकिन हम भगवान की बात को समझ नहीं पाते। उन्होंने आया और उसको मालूम नहीं पड़ा, कोई ना प्रकाश दिखा, अंधे आदमी को प्रकाश दिखता नहीं है। पहले तो लगा कि मैं मार डालू क्या, मार डालू क्या, फिर उन्होंने सोचा कि नहीं चलो इसको मैं छोड़ दूंगा, इसका बच्चा पैदा होने के बाद मैं बच्चे को मारूंगा। मन बदल गया, वो चला गया नारायण। सारे देवगण वहां पर पहुंचे और देवताओं ने गर्भ की स्तुति की है, माँ को प्रणाम किया, माँ को आश्वस्त किया देवताओं ने। भगवान के आगमन का समय हो गया, भगवान राम के आगमन का समय और कृष्ण के आगमन का समय आपको मालूम होगा। भगवान राम आए चैत के महीने में, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष दिन के 12 बजे नवमी तिथि, और भगवान श्री कृष्ण का जो आगमन हुआ बिल्कुल उल्टा है। भगवान भादों के महीने में आ गए, वो गर्मी का समय, और ये बिल्कुल बारिश का समय, भादों का महीना, वो शुक्ल पक्ष था, ये कृष्ण पक्ष है, वो नवमी तिथि अष्टमी तिथि। आप राम के समय को देखना, दिन में भी उजाला रात में भी उजाला है, 12 बजे दिन के, ये रात में 12 बजे। भादों के महीने को देखोगे आप, कृष्ण पक्ष है ऐसे अंधेरा, और दिन में भादों का महीना है। जैसे आज थोड़ा बारिश बारिश लग रही थी कि नहीं, यहां पर भी बारिश हो रही थी, यहां भी फुहारे आ रहे थे, यहां हमने बारिश अभी टपक रही, इसके अंदर पानी है भैया, टपक रही, पानी टपक रहा है, ये आनंद है, यही तो आनंद है, मेले का आनंद है। आप प्रयागराज में दोनों तरफ गंगा मैया, बीच में बालू में है, और यहाँ भागवती कथा हो रही, कितना बड़ा सौभाग्य, अभी पानी टपक रहा है, जब टपकता है तो पूरा एकदम फैलता है, टप टप फैलता है। भादों का महीना, दिन में बादल ही बादल और रात में कृष्ण पक्ष अंधेरा अंधेरा, दिन में भी अंधेरा रात में भी अंधेरा। मानो भगवान श्री कृष्ण एक कहना चाहते हो, हमें बहुत सारी लीलाएं करना है, बहुत सारी लीलाएं करना है, उसमें चोरी भी करना है,
रामावतार में चोरी संभव नहीं है, राजकुमार, आदर्श राजकुमार रहे हो। और भगवान श्री कृष्ण चोरी भी करते हैं, ग्वालों के साथ भी खेलते हैं, छोटा बड़ा बूढ़ा ओ सबको साथ लेके कृष्ण चलते हैं। कृष्ण का अवतार एक मानववादी, सबके साथ लेके चलने वाला अवतार। इसलिए भगवान सोच रहे थे चलो चोरी करना है तो अंधेरा जरूरी है, चलो थोड़ा अंधेरे में चलते हैं। भगवान के आगमन के पहले प्रकृति ने अपने रूप को सजाया, नदियां गंदे मटमैले जल को लेके प्रवाहित हो रही थी। और जैसे भगवान का आगमन का समय हुआ नारायण, ओ नदियां स्वच्छ जल को लेके प्रवाहित होने लगी। रात्रि के समय जो शांति से सोते हैं पक्षी वह कलरव करने लगे। रात्रि के समय अनेकों प्रकार के कमल फूल खिलने लगे। आकाश में देवता लोग गान कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, और साधु महात्माओं के मन बड़े प्रसन्न थे। और वो सोच कर रहे थे, मालूम है अब भगवान का अवतार होने वाला है, जिस भगवान को हम अपने समाधि में भी नहीं देख सकते, आज उसी भगवान को हम अपनी आंखों से देख लेंगे। और जो अग्नियां जल रही थी, अग्नियां बुझी थी नारायण, कंस के अत्याचार से यज्ञ की अग्नियां, संध्या वंदन की अग्नियां अपने आप जल उठी। चारों ओर प्रकृति आनंद मनाने लगी, अध्यात्म से परिपूर्ण हो उठी नारायण। वो समय आकाश में मंद मंद बादल गरजते हुए बारिश कर रहे थे धीरे धीरे। आज कृष्ण जन्म बराबर समय पर हो रहा है, कृष्ण जन्म, कृष्ण जन्म का समय ऐसा ही रहा होगा, थोड़ा थोड़ा फुहार बारिश और वो वातावरण बादल, भगवान बराबर ले जा रहे अपने को बराबर ले। मंदम मंदम जल धरा, वो बादल मंद 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 और वो जल धाराएं गिराते हुए परम पूज्य दादा गुरुदेव जी महाराज, अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी कहते हैं, एक बार की बात है, बादलों के मन में बात आई हम भगवान के दर्शन करें। उनको मालूम पड़ा कि भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं, सागर के पास गए और बादलों ने सागर से प्रार्थना की, भगवान हमें भगवान के दर्शन करा दो। सागर ने कहा, भगवान के दर्शन ऐसे नहीं होते हैं, परोपकार करना पड़ता है, दूसरे की मदद करनी पड़ती है। तुम ये खारा जल लेकर इसको मीठा बनाओ और प्रजा के ऊपर दूर जाके बरसाओ, ये परोपकार तुम करोगे तो भगवान के तुमको दर्शन हो जाएंगे। आज बादलों ने अनेकों वर्षों तक ये परोपकार का काम किया नारायण, और आज बादलों को मालूम पड़ा भगवान आने वाले हैं, आज हम भगवान के दर्शन करेंगे उन्हें। और इसलिए मंद मंद जोर जोर से वो गड़गड़ा नहीं रहे हो, धीरे धीरे, क्यों, भगवान आने वाले, भगवान को कोई तकलीफ ना हो। और वो मंद मंद फुहार कर रहे नारायण, ऐसा आनंद का क्षण। निशीते तम उद्बुद्धे जाय माने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्या विष्णु सर्व गुहाशय आविराशी तथा प्राचाम दिशिंदोरिव पुष्कल। जैसे अंधकार के साम्राज्य में पूर्ण चंद्र का उदय हो जाए, ऐसे काल कोठरी में, उस जेल में, कारागृह में नारायण देवकी मैया से भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आश्चर्य की बात, जैसे भगवान का जन्म हुआ ना तो भगवान छोटे नहीं, एकदम 8 वर्ष के खड़े हो गए भगवान। दुनिया में केवल 2 भगवान ऐसे हैं जिनकी बाल रूप में पूजा होती है, वह राम और कृष्ण। जितने भी भगवान थे वो भगवान बाद में मालूम पड़े, परशुराम भी भगवान कब मालूम पड़े, बहुत बाद में, बड़े होने के बाद मालूम पड़े।
बुद्ध भी भगवान मालूम पड़े बड़े होने के बाद मालूम पड़े, वामन भी भगवान मालूम पड़े बड़े होने के बाद मालूम पड़े, सनक सनंदन सनातन जितने भी भगवान बड़े होने के बाद मालूम पड़े, लेकिन राम और कृष्ण पैदा होते ही उनकी भगवत्ता प्रकट है। 8 वर्ष की उम्र भगवान 8 वर्ष के रूप में प्रकट हुए और वसुदेव जी महाराज और सहदेव वसुदेव और देव की भगवान की स्तुति करने लगे। विदितोसी सबसे पहला जब वसुदेव जी महाराज के मुख से शब्द निकला नारायण विदितोसी, समझ गया मैं, जान गया तुम वही हो, तुम हमारी रक्षा करने के लिए आए हो, तुम आदि हो, जगत के आदि हो, तुम जगत का पालन पोषण करने वाले हो और तुम ही इसका संहार करने वाले हो, प्रभु आपको नमन है। और देवकी ने भी भगवान की स्तुति की ना, सबसे पहले रूप देखा भगवान का, ओहो कितना सुंदर है, लेकिन मां की ममता नारायण बाहर प्रकट हो गई। मां ने कहा उपसंहर विश्वात्मन अन्न दो रूप मौल मलव की। मां ने कहा कि तुम अपने इस 8 वर्ष की उम्र को छोटा कर, आप छोटे हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी, दुष्ट दुरात्मा कंस तुमको मारने के लिए आएगा तो मैं तुमको कहां छिपाऊंगी, छोटे हो जाओ छोटे हो जाओ। भगवान का मां मेरे को कंस से भय नहीं है, यदि तुमको कंस से भय है तो माम गोकुलम नय, मेरे को गोकुल ले जाओ, नंद बाबा के घर में यशोदा मैया के गोद में, और वहां पर एक बेटी पैदा हुई है वहां से उसको उठा के यहां ले आओ, और ये सारी चीजें मेरे लिए नहीं है तुम्हारी भावना की रक्षा करने के लिए। और इतना बोल के नारायण भगवान छोटे हो गए हैं, कितना छोटे, अरे इतना सा, ओ इतना चूहा की तरह इतना सा। माँ ने देखा वो कपड़े में मालूम भी नहीं पड़ रहे थे किधर हाथ है किधर मुख है, वो छोटे हो गए भगवान, भगवान को सूप में रखा गया।